हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर। आपको इससे पहले स्टैक डेटा स्ट्रक्चर तक पूरा करा के आया हूं मैं। वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी हमारी डेटा स्ट्रक्चर की, फॉलो कीजिए। आपको किताब तक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आप पूरा सीख जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप हिट कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं क्यू। तो क्यू बेसिकली, क्यू इज अ लीनियर लिस्ट ऑफ डेटा एलिमेंट्स। अगर मैं थ्योरेटिकली आपको डेफिनेशन बताऊं, लीनियर लिस्ट ऑफ डेटा एलिमेंट्स है इन विच द इंसर्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द रियर एंड एंड द डिलीशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द फ्रंट एंड। इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी। अब आप देखिए कि क्या है कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये इंग्लिश डेफिनेशन हो गई, अभी कॉन्सेप्ट आप समझिए। क्यू के लिए अगर मैं देखूं तो जैसे हम लोग टर्म यूज करते हैं लाइन में लगना, तो एक तरह से वो भी क्यू उसी के सिमिलर। आप सोचिए और देखिए, लेट से यहां पर मैं कहूं कि टिकट रिजर्वेशन काउंटर है, ये एक टिकट काउंटर है रेलवे का लेट से, और यहां पर लेट से लोग लगे हुए हैं लाइन में, इसी तरह से लगते हैं। ये ए है, बी सी डी ई। अब आप इसमें जानते हैं कि कोई नया जब भी इंसान आएगा तो वो ऐसा तो है नहीं कि सबसे आगे लग जाएगा, वो क्या करेगा, वो यहां पर आएगा एफ। और जैसे ही किसी को टिकट मिल जाएगी, ठीक है, वो एग्जिट कर जाएगा, डिलीट हो जाएगा एक तरह से। और तो डिलीट कौन हुआ, जो सबसे पहले आया था एक तरह से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये सब आप समझने की कोशिश कीजिए। इंसर्शन हो रहा है रियर एंड से, जिस एंड पे इंसर्शन हो रहा है उसको हम लोग रियर एंड बोलेंगे, और जहां से डिलीशन हो रहा है वो आपका फ्रंट है। यहां से डिलीट हो गया, फ्रंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब यही कॉन्सेप्ट जो है इस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए मैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करूंगा। उसमें अलग अलग तरह के रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं जो हम आगे डेप्थ में पढ़ेंगे, बट मैं आपको बेसिक एरे आपको पीछे सिखा के आया हूं तो उससे ही दिखाता हूं। लेट्स से मेरे को अगर ये सब चीज का ट्रैक रखना है कि कौन आया कौन गया क्या हुआ, तो मैं एक एरे बना लेता हूं। लेट्स से सबसे पहले ए आया टिकट लेने के लिए, तो ये ए आ गया। देन अब बी आएगा तो वो नेक्स्ट यहां मैं उसको स्टोर करूंगा, सी डी ई इसी तरह स्टोर करूंगा। और अगर मुझे डिलीट करना होगा तो मैं यहां से कॉन्सेप्ट देखिए आप, इसको डिलीट कर दूंगा। कुछ नया एंट्री करानी होगी तो आगे एंटर कराता जाऊंगा, इंडेक्स बढ़ता जाएगा मेरा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है लीनियर, इसीलिए बोला गया लीनियर लिस्ट है डेटा एलिमेंट्स की, इंसर्शन रियर से और डिलीशन फ्रंट से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। यही कॉन्सेप्ट आपको बस दिमाग में रखने हैं। एग्जाम्पल ये दिमाग में रखिएगा तो आपको पूरा ही याद आ जाएगा कि क्या था। अब आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को, आगे है कि रिप्रेजेंटेशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन करके क्वेश्चन आता है कि हाउ डू यू इम्प्लीमेंट अ क्यू। तो हम लोग दो तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या तो उसको स्टैटिकली कर सकते हैं या उसको डायनामिकली कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्टैटिक है तो इसका मतलब हम लोग एरे से कर रहे हैं, डायनामिक है तो लिंक लिस्ट से है। वो पूरा प्रोसीजर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। उसके बाद इसमें भी ऑपरेशंस हैं जिसके एल्गोरिदम एग्जाम में आती है कि आप एल्गोरिदम लिखिए, जैसे कि हमने स्टैक में एल्गोरिदम्स लिखी थी डिलीशन इंसर्शन के लिए, तो ये पूरे ऑपरेशंस आ जाएंगे। उसके अलावा क्यू की कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि सर्कुलर क्यू, डबल एंडेड क्यू, प्रायोरिटी क्यू। अब ये तीनों जो हैं इनके भी क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट मैं आपको कराऊंगा, एग्जाम में आते हैं, इन तीनों में से एक जरूर कोई ना कोई आएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियोस देखें, हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करें, शेयर करें। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। कुछ अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट्स हैं उनमें आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।